नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 से संबंधित एसटी और एसटीआर से संबंधित आउटलाइन बनाए थे। आज का आउटलाइन है जो एसटी और एसटीआर से संबंधित ग्रामोलॉक्स का। तो आइए दोस्तों, इसको चैप्टर पढ़ते हैं और आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो शॉर्ट हैंड में जो इसमें ग्रामोलॉक्स दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने लिख दिया है, पीछे आगे वाले चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए। तो पहला इसमें है ग्रामोलॉक्स में फर्स्ट का आउटलाइन जो बनता है दोस्तों, इस तरह बनता है। फर्स्ट का आउटलाइन इस तरह से बनता है। फिर है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में एन में एस लगाते हैं तो इन्फ्लुएंस बनता है। फिर है इन्फ्लुएंस्ड, ईडी जब लग जाएगा इसमें, ईडी जब लगाते इसमें एसटी लगा देते हैं, इन्फ्लुएंस्ड इस तरह से होता है। फिर इसमें है आपका नेस्ट, नेक्स्ट लिखना हो, नेक्स्ट लिखना हो, नेक्स्ट एन में एस टी लगाएंगे, ये आउटलाइन आपका लाइन पर रहेगा नेक्स्ट। फिर इसमें है आपका मोस्ट, मोस्ट एम को लाइन के ऊपर मोस्ट लिखेंगे। फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज में एन जी जो लिखते थे एन जी का आउटलाइन लिखते हैं लैंग्वेज। फिर है ओविंग, ओविंग का भी यही सेम आउटलाइन होता है लेकिन जब लैंग्वेज आएगा तो लैंग्वेज के पहले कुछ लैंग्वेज का लिखा रहेगा, जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगा वो लिखा रहेगा। फिर है थिंग, इसी को अगर लाइन पर ला देते हैं तो थिंग बन जाता है, थिंग हो जाता है लाइन पर लाते हैं तो। फिर इसमें इसको लाइन के नीचे लाते हैं, लाइन के नीचे यहाँ को लाते हैं तो यंग बन जाता है। फिर इसमें है आपका लोड, एल ओ आर डी, जो एल का आउटलाइन लिखते थे यही लाइन पर लिखते हैं तो लोड हो जाता है। और फिर है वी, इस तरह से वी आप पहले भी बताए हैं हम, वी का आउटलाइन इस तरह से होता है। और वी आर, वीआर का आउटलाइन इस तरह से होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इसमें। तो ये है आपका आज का ग्रामोलॉक्स, ये सब जो भी है लिखा हुआ है, देखिए इसमें बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। पहले हम देखते हैं, पहले लिखा है द फर्स्ट कोस्ट ऑफ द न्यू स्टाइल्स मे बी हेवी बट इट विल सून बी रैपिड बाय द सेविंग इन वेस्ट एंड बाई द इमेंस सेल्स विच विल फॉलो। बिजनेस मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई द फैक्ट ऑफ द ऑफ एंड ऑफ आवर हैविंग द बेस्ट and cheapest and latest style be to show to customers and we think they will endorse each hopes our hopes होगा ये दोस्तों। We are seeking also to influence the big buyers to ask to see the new designs and if we think if they
कैन बी इंड्यूस टू लुक एट देम वी थिंक बिजनेस मस्ट फॉलो, इसी तरह से लिखा हुआ है। तो आप लोग देखकर, इस तरह से रिवीजन किया जाता है, देखकर कर सकते हैं, वही चीज़ इसमें लिखे हुए हैं और कुछ कम लिखे हैं उसमें, आगे आप लिखिएगा। फिर आगे इसमें दिया हुआ है द लैंग्वेज, जो अभी आप चैप्टर में पढ़े लैंग्वेज किस तरह से होता है, द आप तो जानते हैं, ऑफ द जानते हैं, यंग अभी पढ़े, बैरिस्टर जो होता है आपका, बैरिस्टर हम लोग आउटलाइन लिखते हैं, बैरिस्टर का इस तरह से होता है आउटलाइन, बैरिस्टर। ठीक, इन द केस वाच मोस्ट अभी पढ़े स्टेटली, स्टेटली का होगा स्टेटली, इस तरह से होता है आपका आउटलाइन। तो इसी तरह से जो भी आउटलाइन आप लोग देखकर रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इजी चैप्टर है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें है रिविजनरी एक्सरसाइज, जो भी है इसको आप लोग का रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। और जो भी इधर चैप्टर पढ़े हैं उसका सारा सारांश इसी में दिया हुआ है, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या है, उसका रिवीजन पूरी तरह से इसमें दिया हुआ है। फिर से ये आउटलाइन भी है, यहाँ पर भी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको पढ़े, रिवीजन करें। ये चैप्टर आप लोगों को कम से कम 10 बार रिवीजन करना होगा, जितना बार रिवीजन कीजिएगा पूरी चैप्टर कंट्रोल हो जाएगा, और बेहद ज़रूरी है रिवीजन करना, इसको रिवीजन ज़रूर करें दोस्तों। इसे इसमें दिया हुआ है इफ़ यू, तो इफ़ यू इस तरह से होता है, कैन, कैन आप जानते हैं, इफ़ यू कैन, तो कैन इसी में जुड़ जाता है, पुट होता है लाइन कट कर पी को, पुट होता है, मी होता है लाइन के ऊपर मी होता है, अप होता है लाइन के ऊपर अप होता है, फॉर जानते हैं, ए जानते हैं, वीक इस तरह से जानते हैं, वीक है, इन, इन इस तरह से, इसी तरह दिया हुआ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन करें, 10-15 बार रिवीजन करें, लिखिए इसको, बेहद चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।